हेलो एवरीवन, आई एम जीशान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, जैसा कि आप मेरे थंबनेल से जान गए होंगे, मैं किस टॉपिक पे आज बात करने वाला हूँ। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ स्टॉक मार्केट के ऊपर। स्टॉक मार्केट में कैसे वर्क होता है, स्टॉक मार्केट क्या है, क्या इसमें इन्वेस्ट करने चाहिए। आई एम श्योर कि मैं स्टॉक मार्केट वो सारी जानकारियाँ दूँ जो जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं और स्टॉक मार्केट क्या है, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम जानेंगे। बिकॉज आई एम ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, तो जो भी एक्सपीरियंस हुआ वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। सो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो ज़्यादा लाइक एंड शेयर हुए और ज़्यादा व्यूज़ आए, आई एम श्योर कि और भी अच्छे स्टॉक मार्केट में मैं वीडियो बनाऊंगा जो भी मैं एक्सपीरियंस किया। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या पैसे कमाना आसान है? तो सबका जवाब ये होगा, नहीं। बट कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, कुछ ऐसी रास्ते हैं जहां आप सीख कर आप एक अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और उन रास्तों में जो सबसे पहले आता है स्टॉक मार्केट एंड सेकंड अपना बिजनेस। अब बहुत लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या अच्छे पैसे कमा सकते हैं कम समय में, तो मैं यही कहूँगा जी हाँ। अगर आपको एनालाइज करना और जो भी एक रिक्वायर्ड है स्टॉक मार्केट के अंदर, जो भी आपको समझ आ जाए स्टॉक मार्केट में कैसे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, कब पैसे इन्वेस्ट करते हैं और क्या क्या देखते हैं पैसे इन्वेस्ट करने से पहले, तो आई एम श्योर कि आप बहुत ही ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं फ्रॉम स्टॉक मार्केट। अब ये नहीं है कि स्टॉक मार्केट पैसों का मशीन है, ये भी नहीं है कि स्टॉक मार्केट से सिर्फ और सिर्फ पैसे कमा सकते हैं। जितना आसान आपको लगता है स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना, उतना ही आसान है आपके पैसे उसमें गंवाना, राइट? तो आप जितने पैसे कमा सकते हैं अच्छे से, जितनी इजी से, आप उतना ही पैसा आप गंवा भी सकते हैं अगर आपको कोई इल्म ना हो स्टॉक मार्केट का। बहुत लोग ये हैं जो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट इज़ ए गैम्बलिंग, जुआ है स्टॉक मार्केट। और मेरी क्या ओपिनियन है? देखिए, मेरी भी यही ओपिनियन है, स्टॉक मार्केट इज़ ए गैम्बलिंग, एक जुआ है। बट वेट, क्यों स्टॉक मार्केट एक जुआ है लोगों को लगता है, क्यों मुझे लगता है? क्योंकि हमें कोई इल्म नहीं है, राइट? अब आपको अगर इल्म नहीं है किसी चीज़ का, तो हम ये मान लेते हैं कि यार ये वेस्ट ऑफ टाइम है, ये वेस्ट है हमारे लिए। लेकिन जिस चीज़ को हमें इल्म है, हम अगर उससे अच्छा पैसे कमाते हैं, तो हम उसमें ब्रिलियंट समझते हैं कि यार हमें इसका इल्म है, हम इससे पैसे कमा सकते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। अगर आपके पास 1,00,000 रुपये है, आप कोई स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं, बट आपके पास कोई भी आइडिया नहीं है कि स्टार्टअप को कैसे ओपन करें और कैसे इसमें इन्वेस्ट करें, ये सारी चीज़ें नहीं। बट आपने स्टार्टअप को ओपन किया, आपको कोई आइडिया नहीं है कैसे ओपन करना है, आपने 1,00,000 इन्वेस्ट किया और आपका जो पैसे हैं वो सारे डूब गए। तो सेम थिंग इधर भी है। अगर आपके पास स्टॉक का कोई नॉलेज नहीं है, आप आ रहे हैं 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी के कहने पे, और कोई भी, बहुत ऐसे लोग हैं जो किसी के कहने पे भी स्टॉक मार्केट में पैसे लगा देते हैं और डूब जाते हैं सारे पैसे, और ये उनको रियलाइज़ होता है कि स्टॉक मार्केट इज़ ए गैम्बलिंग। बट ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं, आप लोगों को अगर मैं बताऊं, कि स्टॉक मार्केट से ही करोड़पति बने हैं और अच्छा वेल्थ क्रिएशन बना के रखे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कुछ दो नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट नेम जो आता है सबसे लोकप्रिय, राकेश झुंझुनवाला, एंड सेकंड राधा किशन दमानी। ये सिर्फ मैंने दो नाम लिए हैं। बहुत से ऐसे हैं इंडिया के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा स्टॉक मार्केट से कमा के आज अच्छे पोजीशन पे। सो फ्रेंड, जो वीडियो देख रहे होंगे, आप कुछ रिलेट करते हैं स्टॉक मार्केट, तो उनको ये समझ में आ गया होगा कि एक नाम तो लिया ही नहीं गया जो स्टॉक मार्केट के जान हैं, जो अच्छे खासे पैसे कमाए हैं इस स्टॉक मार्केट से, जिनका नाम है वॉरेन बफेट। उन्हें कौन भूल सकता है? क्योंकि ये स्टॉक मार्केट की दुनिया में ये पहले ऐसे नंबर पे आते हैं जो स्टॉक मार्केट से पैसे कमाए हैं, और वर्ल्ड के ये दूसरे सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं वॉरेन बफेट। अब हम समझ लेते हैं कि स्टॉक मार्केट किसे कहा जाता है, कैसे वर्क करता है। देखिए, स्टॉक जो होता है हम उसे बेच भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं, जो एक कंपनी के पार्ट्स होते हैं, और स्टॉक मार्केट को ही हम शेयर मार्केट भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मान लीजिए कि किसी कंपनी के 100 शेयर हैं, और वो 100 शेयर में से 50 शेयर कंपनी खुद रखती है, और वो 50 शेयर स्टॉक मार्केट में लाती है। अब पर शेयर 10 रुपये प्राइस है, और फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये के जो प्राइस है, आपने 2 शेयर खरीदे, यानी 20 रुपये के आपको इन्वेस्ट करना है 2 शेयर के लिए, और वो 2 शेयर जो आपने खरीदे हैं उस कंपनी के आप 2% हिस्सेदार हो गए। अब समझते हैं शेयर में हमें फ़ायदा कैसे होता है, हम कैसे कमाते हैं यहाँ से।
अब हमने जो शेयर खरीदे हैं, अब समझ लो मैंने जो 10 रुपये में 2 शेयर खरीदे हैं, मतलब 20 रुपये हमने इन्वेस्ट किए हैं, अब मान लो कंपनी को अगर फ़ायदा हुआ तो वो जो शेयर हैं 10 रुपये को जो चल रहे, जो मैंने ख़रीदा है, अब वो मार्केट में 15 रुपये हो गया। ठीक है, अब 10 रुपये का शेयर 15 रुपये हो गया और 2 शेयर हमने 20 रुपये में ख़रीदे हैं 10-10 रुपये करके, तो पर शेयर 15 रुपये हो गया, तो समझ लो 30 रुपये है गए। ठीक है, अब जो 30 रुपये हो गया, हमने तो 20 रुपये में खरीदे थे बट शेयर की प्राइस वो पर शेयर 15 रुपये यानी 30 रुपये हो गए, तो 20 रुपये हमने इन्वेस्ट किया और अब हम पा रहे हैं 30 रुपये, यानी हमें 10 रुपये का मुनाफा हुआ। अब ये नहीं है कंपनी से मुनाफा में ही जाए, कभी कभी कंपनी क्या घाटे में भी जाती है, तो जो आपने 10 रुपये में पर शेयर खरीदे हैं, अब उसकी कीमत अगर 8 रुपये हो जाती है या फिर मान लो 5 रुपये हो जाती है, तो आपका जो एक शेयर 10 रुपये था वो अब 5 रुपये हो, तो आपने इन्वेस्ट किए 20 रुपये बट शेयर की प्राइस 2 शेयर की प्राइस हो गई है 10 रुपये, तो आपको 10 रुपये यहाँ पे लॉस हो गया। तो शेयर मार्केट में प्रॉफिट एंड लॉस चलता रहता है, बट जिन्हें एनालाइज करना अच्छे से आता है वो प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करते हैं, और जिन्हें कुछ भी इल्म नहीं है जैसे मैंने पहले बोला, तो आप इसे जुआ कह सकते हैं, गैम्बलिंग कह सकते हैं, और इसमें कभी भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और मेरा यही सजेशन है, पहले इल्म हासिल करें, एक्सपीरियंस लें एंड देन इसमें इन्वेस्ट करें स्टॉक मार्केट में। तो चलिए कुछ ऐसे चीज़ों को जानते हैं जो बेसिक चीज़ें हैं स्टॉक मार्केट के, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इफ़ यू आर बिगनर, अगर आप चालू करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आप लोग। और लोग समझना चाहते हैं कि शेयर मार्केट कितने टाइप के होते हैं। देखिए, शेयर मार्केट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी शेयर मार्केट एंड दूसरा जो होता है वो सेकेंडरी शेयर मार्केट। प्राइमरी शेयर मार्केट में कंपनी के शेयर को पहली बार इशू किया जाते हैं, कंपनी को जब भी सबसे पहले शेयर मार्केट में लिस्ट किया जाता है और स्टॉक इशू होते हैं, ये जो सब प्राइमरी शेयर मार्केट में ही होता है। जब कंपनी पहली बार शेयर को बेचती है उसे हम IPO कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसके बाद कंपनी सार्वजनिक हो जाती है। IPO के लिए जाते समय कंपनी को अपने बारे में उसकी फाइनेंशियल, प्रमोटर्स और उसके बिजनेस स्टॉक को जानकारी देनी होती है। और सेकेंडरी मार्केट ये होता है लिस्टेड कंपनी जो होती है, वहाँ हम कोई भी शेयर को खरीद एंड बेच सकते हैं। वहाँ पर जब हम कोई स्टॉक की बात करते हैं तो हम हमेशा सेकेंडरी मार्केट की ही बात करते हैं, राइट? सेकेंडरी मार्केट में ही हम किसी स्टॉक के दाम को लगा सकते हैं और उसके साथ हम फायदे और नुकसान के साथ खरीद और बेच सकते हैं। कुछ बेसिक टर्म्स में आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं जो स्टॉक मार्केट में बोले जाते हैं, जैसा कि शेयर या स्टॉक। कंपनी जब भी शेयर मार्केट में आती है तो वो खुद को डिवाइड कर लेती है, छोटे छोटे टुकड़े में बांट देती है, जिसे हम शेयर या स्टॉक कहते हैं। बहुत स्टॉक एक्सचेंज आप लोग बहुत सुनेंगे, इंडिया के अंदर कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं। पहले तो हम समझते हैं स्टॉक एक्सचेंज है क्या। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज एक इंस्टीट्यूशन है जहां पे शेयर को हम रख सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेचने में इस्तेमाल करते हैं। अब इंडिया के अंदर कितने स्टॉक हैं, एक्सचेंज हैं यहाँ पर, तो इंडिया के अंदर मोस्टली 2 बेसिक जो पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज हैं वो है NSE एंड सेकेंड है BSE। अब NSE का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड सेकेंड है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। IPO तो बहुत लोग नाम सुनेंगे, और IPO से मुझे याद आता है कि अभी रिसेंटली एक IPO लॉन्च हुआ था Zomato, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ। अब हम ये समझ लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों को रिक्वायर्ड होती है। देखिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला है आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है डीमैट अकाउंट एंड तीसरा आपके पास होना चाहिए सेविंग अकाउंट। क्योंकि सेविंग अकाउंट क्या होता है कि आपके पैसे कहाँ से ट्रांजैक्शन होंगे वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक होता है आपका सेविंग अकाउंट, क्योंकि पैसे का आदान प्रदान आपका आपके बैंक से ही होगा। सो फ्रेंड्स, अब मैं कुछ अपनी एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। क्या एक बिगनर्स जो अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या मुझे क्या सीखना चाहिए इस स्टॉक मार्केट में कि मैं अच्छे पैसे कमा सकूं। देखिए, अगर आपके पास पैसे हैं, आप सोच रहे हैं कि इन्वेस्ट किया जाए स्टॉक मार्केट में, तो उससे पहले आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहिए कि शेयर को कैसे खरीदा जाते हैं, किस टाइम पे खरीदे, किस टाइम पे बेचे, ये बहुत ही ज़्यादा जानने वाली चीज़ें हैं। क्योंकि हम जब किसी चीज़ की नॉलेज नहीं रहती, हम जब पैसे की इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि पैसा बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि आज के ज़माने में पैसा कमाना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो पैसे को बचा के चलिए। लेकिन अब ये नहीं है कि पैसे को सिर्फ और सिर्फ सेविंग अकाउंट में ही रखते रहिए, तो ये भी नहीं है, क्योंकि आज का जो इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत ही ज़्यादा है। सेकेंड थिंग ये है कि हम जो भी पैसे हमारे पास हैं वो हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट करें, लाइक स्टॉक मार्केट, जो आपको बहुत ही ज़्यादा हाइयर रिटर्न देता है, बट इसकी इल्म होनी चाहिए।
अब बहुत लोग कहते हैं कि हमें किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या मैं स्टॉक मार्केट के लिए कैपेबल हूँ। देखिए ये डिसाइड खुद को करना है। देखिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले हमें स्टॉक मार्केट की बारीकियों को जानना चाहिए, किस शेयर में हम पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी को जानना चाहिए कि क्या वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसका पास्ट की बैलेंस शीट पीएनएल अर्निंग रेशियो क्या है, क्या हमें ये इन फ्यूचर अच्छे पैसे कमा के दे सकती है अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, तो ये सब एनालाइज करना ज़रूरी है। तो देखिए पहले तो आपको समझना होगा एंड देन उसके बाद डिसाइड लेना होगा कि मुझे कैसे इन्वेस्ट करना है और किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से शेयर करें, और मैं यही उम्मीद करना चाहता हूँ अगर ये वीडियो अच्छी लगी आप लोगों को, ज़्यादा मुझे रिस्पॉन्स मिला इस वीडियो से, तो आई एम श्योर कि मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा स्टॉक मार्केट में और कैसे मैं यूज़ करता हूँ स्टॉक मार्केट में, कैसे मैं पैसे इन्वेस्ट करता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। आई एम श्योर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।